गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCTF दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19, जो कि क्लास 7th के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है जिसकी 24 सितंबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखिए। आज हम अपनी वर्कशीट में एयर कंटिन्यू करेंगे। हैव यू एवर फील सीन एनीथिंग लाइक दिस? आपने कभी ऐसा फील किया है? हाँ, फील किया होगा, जिसमें आपका छाता उड़ रहा है, आपके बाल उड़ रहे हैं, इतनी तेज हवा चलती है, कभी आपके बाल उड़ रहे हैं, कभी आंधी आती है, कपड़े उड़ते हैं। ये सारे सीन्स तो आपने देखे ही हैं अपनी एवर डे लाइफ में। ऑल दिस हैपन टू द विंड्स, ये सारे हवा यानी विंड के द्वारा ये सारे हैपन होते हैं। अब विंड क्या होती है? एयर के मूवमेंट का, जब हाई प्रेशर से, जब एयर का प्रेशर हाई प्रेशर में एयर हमारी मूवमेंट करती है देन, और लो एरिया में देन उसे हम विंड कहते हैं। विंड ब्लोस क्लीनली एज वेल एज स्ट्रांगली। लेकिन जो विंड है वो धीरे भी चलती है और स्ट्रांगली भी। एक्सट्रीमली स्ट्रांग विंड्स ब्लो लाइट थिंग अवे एज स्टॉर्म्स ऑल्सो अपरूटेड ट्रीज। यानी जो एक्सट्रीमली स्ट्रांग विंड्स होती है वो जो हल्की चीज़ें होती हैं उन्हें उड़ा ले जाती है, और जो स्टॉर्म्स होता है वो ट्रीज यानी ट्रीज को भी उखाड़ देती है। अब विंड भी 3 टाइप्स की होती हैं, परमानेंट विंड्स, लोकल विंड्स, सीजनल विंड्स। अब दीज ब्लो, जो परमानेंट विंड्स होती हैं वो कंस्टेंटली पूरे ईयर ब्लो करती रहती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। एग्जाम्पल ट्रेड विंड्स, वास्टर लाइट्स एंड पोस्टर ईस्टर लाइट्स। लोकल विंड क्या होती है? दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे ईयर इन अ स्मॉल एरिया। यानी एक ये जो विंड्स होती हैं ये एक स्मॉल एरिया, एक छोटे से पूरे साल में बस एक ही बार एक स्मॉल पीरियड के लिए ही आती हैं और एक छोटे से एरिया में ही आती हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज, हॉट एंड ड्राई ब्रीज, लू, जैसे गर्मियों में आपने लू के बारे में सुना होगा, तो ये भी एक स्मॉल पीरियड के लिए आती हैं और स्मॉल पर्टिकुलर किसी स्मॉल एरिया में ही आती हैं। ब्लोइंग ड्यूरिंग समर, समर सीजन में होती हैं, और नॉर्दर्न इंडियाज में लोकल विंड्स होती हैं। सीजनल विंड्स क्या होती हैं? दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन डिफरेंट सीजन। यानी ये जो विंड्स होती हैं ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती हैं डिफरेंट सीजन्स में। जैसे एग्जाम्पल रहेगा मानसून विंड्स इन इंडिया होती है। अब इंडिया में कभी आप देखते हैं गर्मियों में गर्म हवा चलती है, सर्दियों में ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, बारिश में अभी आपके हल्की ठंडी हवा होती है, तो ये सीजनल विंड्स में आती है। विंड वेन इज़ यूज फॉर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड। यानी आपने देखा होगा ये आपका, कहीं तो आपने ज़रूर देखा होगा, इसमें एक एक जगह ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखा रहता है। नॉर्थ को एन से, वेस्ट को डब्ल्यू से, ईस्ट को ई से, और साउथ को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसे विंड वेन कहते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ द विंड शो करता है। अब यहाँ पे कुछ प्रेशर बेल्ट्स और विंड सिस्टम के बारे में बता रखा है। द प्रेशर डिफरेंस इन मेजर डिफरेंस ऑफ द जेनेसिस ऑफ द विंड सिस्टम, द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज। जो एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया पे मूव करता है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर डोल ड्रम्स, जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर है उसके बारे में हम देख लेते हैं। इट एक्सटेंड्स अप टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ इक्वेटर तक मूव करता है। इन द रीज़न द टेम्परेचर इज़ हाई थ्रू आउट दिस ईयर। और इस रीज़न में जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा हाई रहता है पूरे ईयर। जो एयर प्रेशर है वो हमेशा लो रहता है। अलॉन्ग विद चेंजेस ऑफ सीजन, यानी सीजन के चेंजेस से ये जो बेल्ट होती हैं वो भी शिफ्ट करती हैं नॉर्थ से साउथ रिस्पेक्टिवली। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हॉर्स लैटीट्यूड, जो हॉर्स लैटीट्यूड होते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, उसके बारे में हम देख लेते हैं। इट इज़ सिचुएटेड अराउंड लैटीट्यूड ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्थन हेमिसफेयर एंड 30 डिग्री साउथ इन द साउथन हेमिसफेयर। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रॉपिकल हाई प्रेशर यानी हॉर्स लैटीट्यूड होते हैं ये 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ में होते हैं। डिस्पायर हाई टेम्परेचर हाई एयर प्रेशर इज़ फाउंड हियर। यहाँ पे हाई टेम्परेचर भी होता है, हाई प्रेशर भी होता है। द एयर राइजिंग इन द इक्वेटोरियल बेल्ट स्टार्ट मूविंग पोल वर्ड, बट दीज विंड्स गेट डिफ्लेक्टेड वर्ड्स ईस्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। और ये जो विंड होती है वो ईस्ट की तरफ मूव करती हैं, क्योंकि जो हमारी रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है, आपको पता है। द एयर स्टार्ट डिसेंडिंग ड्यू टू कूलिंग इन दिस वे हाई प्रेशर जोन्स आर क्रिएटेड। इसी की वजह से जो हाई प्रेशर जोन होते हैं वो क्रिएट होते हैं फ्रॉम वेयर द विंड्स दैट ब्लोज इक्वेटर वर्ड्स कॉल्ड ट्रेड विंड्स। और जहाँ पर जो विंड्स होती है जो इक्वेटर की तरफ ब्लो होती है उन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, और जो विंड जो वॉर्ड की तरफ ब्लो करती है पोल वॉर्ड की तरफ उन्हें हम प्रिवेलिंग वेस्टर लाइज इन द बोथ द एमिसफेयर कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ सब पोलर लो प्रेशर बता रखा है। 60 डिग्री लैटीट्यूड में हेमिसफेयर, दोनों हेमिसफेयर में
एक वी हैव एयर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ, यानी नॉर्थ एंड साउथ से थोड़ी एयर आती है नॉर्थ एंड साउथ से, जिसे हम पोलर स्टेलाइज एंड प्रिवेलिंग वेस्टलाइज कहते हैं, जो कि हैंड्स एट द पॉइंट द एयर कन्वर्सेज एंड राइजेस अप एंड हैव लो प्रेशर सिस्टम। यहाँ पे जो एयर होती है वो कन्वर्स होती है हाई प्रेशर सिस्टम से लो प्रेशर सिस्टम में, डिस्पाइट लो टेम्परेचर लो प्रेशर इज़ फाउंडेड, यानी इसी वजह से वहाँ पे लो टेम्परेचर होता है लो प्रेशर होता है। पोलर हाई प्रेशर ये 80 डिग्री एंड 90 डिग्री लैटिट्यूड आप देख सकते हैं, ये हाई प्रेशर और जो लो प्रेशर होता है दोनों हेमिस्फेयर में 80 एंड 90 डिग्री लैटिट्यूड्स में होता है। हाई प्रेशर परसिस्ट एट पोल्स थ्रू आउट द ईयर बिकॉज ऑफ द प्रिवलेंस ऑफ वेरी लो टेम्परेचर, जो हाई प्रेशर होता है वो पूरे ईयर रहता है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो लो रहता है। पोलर स्टेलाइज ब्लो फ्रॉम हर टूवर्ड्स लो प्रेशर एरिया, जो पोलर स्टेलाइज है वो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया में ब्लो करते हैं। अब यहाँ पे आपको डायग्राम भी दे रखा है, आप इसे डायग्राम को अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, तो आपको अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन विंड, विंड को डिफाइन करना है। आप यहाँ से करेंगे इसका आंसर, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज, यानी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में विंड के मूवमेंट को, एयर के मूवमेंट को हम विंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ विंड, आपको टाइप्स ऑफ विंड में मैच करना है। तो परमानेंट विंड हमारी ट्रेड विंड्स हो जाएंगी, और लोकल विंड्स हमारी हो जाएंगी, लोकल विंड हमारी लू हो जाएगी, और सीजनल विंड हमारी मॉनसून विंड हो जाएंगी। तो आप इस पर मैच कर लेंगे। अब आपको एक एक्टिविटी भी दे रखी है, आपको साइक्लोन जो ऑडिशन में हुआ था 1999 में उसके बारे में पढ़ना है, और ऐसी कुछ इवेंट्स के बारे में पढ़ना है, बस पढ़ना है, आपको कुछ लिखना नहीं है इनके बारे में। तो ये थी आपकी वर्कशीट आज की, आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।